पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब खान ने मध्य प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। डॉक्टर अयूब का आरोप है कि बीजेपी पैसों और सत्ता का लालच देकर विधायकों को तोड़ रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो वहीं लखनऊ में हिंसा के कथित आरोपियों के पोस्टर्स लगाए जाने पर भी पीस पार्टी के अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए हैं और सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश की जो सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार रही। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार विधायकों को पैसे का लालच दे करके और सत्ता में पद का लालच दे करके उन्हें तोड़ने का काम कर रही है, और मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको दबाने के लिए सरकार असंवैधानिक तरीके से जा करके उन्हें पोस्टर और होर्डिंग लगवा रही है लखनऊ शहर में। मैं समझता हूं कि ये संविधान के खिलाफ है और सरकार को इस अनैतिक और असंवैधानिक काम से बाज आना चाहिए।